हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट रेस्पिरेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, ये तो हमें पता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट जिसे कहते हैं सेल। सेल को हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, नेक आई से नहीं देखा जा सकता। तो और सेल जो होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। ऑर्गेनिजम्स में आते हैं ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट, एनिमल्स, ये सब एक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। जैसे कि हमारा घर बना होता है एक एक ईंटों से, वैसे ही हमारे हमारी बॉडी एक एक सेल से जुड़कर हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो ईच सेल का अपना एक परफॉर्मेंस होता है, अपना एक टास्क होता है जो वो परफॉर्म करता है, जैसे कि सच एज न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का काम करना, ट्रांसपोर्ट करना, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन करना, ये सब एक सेल का काम होता है। हर एक सेल में अपना अपना काम डिपेंड होता है कि कौन सा सेल किस काम का होता है। तो सेल क्या करता है, अपना परफॉर्म करता है, अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। बट सेल को क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है अपने काम को करने के लिए, और हमें भी अपने डेली टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो ये जो इवन व्हेन वी ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, ये ऐसे काम होते हैं हमारे डेली लाइफ के जो हमें एनर्जी के बिना हम ये नहीं कर सकते। इनके लिए हमें एनर्जी चाहिए। हमें कोई भी काम करने के लिए अपने अंदर एनर्जी होनी जरूरी है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये जो इतना हम काम कर लेते हैं तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? तो जो अगर हम बात करें ब्रीथिंग की, जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो क्या करती है? इज अ मैकेनिज्म ऑफ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन। हम क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं, हम अपनी ऑक्सीजन एयर में जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो टेकिंग करते हैं, और उसके बाद हम रिलीज करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ये तो आपको पता है। बट अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, ये ब्रीथिंग से थोड़ा अलग होती है। रेस्पिरेशन क्या होती है? इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। ये एक्सचेंज करती है गैसेस को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, अलॉन्ग विद द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। हमारा जो खाया हुआ खाना होता है उसको डाइजेस्ट करना किसका काम होता है? हमारे स्टोमेज, हमारे जो भी अपना अंदर, जैसे हमने फूड लिया उसके बाद हमने स्टोमेज में गया, लंग्स में जाके स्टोमेज में गया, उसके बाद अपना टास्क परफॉर्म होता है, डाइजेस्ट होता है, उसके बाद रिलीज किया जाता है एनर्जी। तो ये जो वेरियस टाइप के बायोलॉजिकल फंक्शंस हमारी बॉडी करती है, ये इसी को हम रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताई गई है, रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जो अकर इन स्टेप कंट्रोल बाय वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो इस टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है, फिर वो बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोसेस से हमारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस में जब ब्रेकडाउन होता है हमारा फूड इन द सेल, एक एक सेल में ब्रेकडाउन होकर सेल क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेल का काम होता है हमारे हर एक बॉडी पार्ट में क्या करना, एनर्जी फूड को ले जाके एनर्जी प्रोवाइड करना हमारी बॉडी को। और सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन बींग्स हो, हर एक ऑर्गेनिजम्स में सेल का ये काम होता है डाइजेस्टिव फूड को हमारी पूरी बॉडी में ले जाना और एनर्जी प्रोवाइड करना। उसके बाद इसमें दो टाइप्स के आते हैं, एक आता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होती है तब ये रेस्पिरेशन होती है। बट अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, ये विदाउट ऑक्सीजन काम करता है। जो सेल होते हैं विदाउट ऑक्सीजन अगर काम करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। बट एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का काम होता है, जो ग्लूकोज बना है हमारे खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है, उसको क्या करना, फिर उसके बाद रिलीज करना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिर जो हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है खाने में उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना,
बट अगर हम एनारोबिक की बात करें, ये विदाउट ऑक्सीजन होता है, जो कि वो हमारे एथेनॉल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, जो कि बैक्टीरिया और यीस्ट के द्वारा किया जाता है। बैक्टीरिया और यीस्ट, ये क्या है? बैक्टीरिया और यीस्ट मतलब होता है फंगस। ये ऐसे होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन अपना रेस्पिरेशन करते हैं। जब ये विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं तो अल्कोहल बनता है और लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है। बट अगर बॉडी ऑक्सीजन के साथ करती है तो इसमें ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज, उसके बाद एसिड में कन्वर्ट होता है, जो हमारा खाना होता है फाइरुविट और फाइरुविक एसिड। ये ऐसे एसिड के नाम है जो हमारे बॉडी ऑक्सीजन से बनाता है एसिड को। और अगर विदाउट ऑक्सीजन बोले तो एरोबिक, एनारोबिक और रेस्पिरेशन क्या करता है, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। इसके बाद जो ऑल पार्ट होते हैं प्लांट्स के, परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, एनिमल भी रेस्पिरेशन करते हैं, बट प्लांट्स एनिमल से थोड़ा कम स्लो रेट में कन्वर्ट, जो रेस्पिरेशन है उनकी स्लो होती है, किसकी, प्लांट की। और स्टोमेटा लीफ जो होता है, जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट्स में कैसे हम रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स कैसे करते हैं, प्लांट्स के बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जिससे वो रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ होता है, लीव्स में होता है, रूट हेयर होते हैं, और लेटिसेस क्या होता है, बार्क ऑफ स्टेम, प्लांट्स के बार्क में होता है। और ऐसे ही जो ये चीजें होती हैं, ये क्या करती है, प्लांट्स को गैसेस एक्सचेंज करने में मदद करती है। और अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, जैसे कि फिश, फिश क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है, ऑक्सीजन लेती है पानी में, पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसे लेती है, ड्यू उसकी रेस्पायर किससे करती है, गिल्स से। क्या होता है, गिल्स होता है, रिमेम्बर डेट, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो गिल्स होती है, जैसे एम्फिसिस, फिशेस के पास गिल्स होती है जिससे वो रेस्पिरेट करती है। बट अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें अपनी, तो वो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स के पास लंग्स होती है, बट फिश के पास गिल्स होती है। और अगर अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म एक ऐसा एनिमल है जो स्किन से अपनी रेस्पिरेशन करता है, उसकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होती है, स्किन होती है, रिमेंबर डेट। और अगर लैंड एनिमल की बात करें, जो लैंड में रहते हैं एनिमल, डॉग्स, जो डॉग्स हो गए, कैट हो गए, ये क्या करते हैं, इनके पास लंग्स होता है जिससे रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है ये रेस्पिरेटरी करते हैं। तो आपको ये डिफरेंट पता चला। उसके बाद इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट क्या होते हैं, सोअर ट्रेजल, जो इनमें जो रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन जो करते हैं वो करते हैं ट्रेजल से। ट्रेजिया क्या होता है, ट्रेजल क्या रेस्पिरेटरी में मदद करता है, ट्रेजिया क्या होता है, होती है विंड पाइप, वहाँ से जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो क्या करता है, उसे ही ट्रेजिया बोलते हैं, विंड पाइप को, ठीक है, जो इंसेक्ट्स में मौजूद होती है विंड पाइप, वहीं से वो रेस्पिरेशन करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम देखें तो किस किस तरीके से रेस्पिरेटरी करते हैं ह्यूमन बींग्स, वो होते हैं नोस्ट्रियल, नसल, ये नोज होती है, नोज हो गई, नोस्ट्रियल नोज में होते हैं, नोज वाले एरिया में नोस्ट्रियल नसल्स, और कैविटी का होती है माउथ वाले एरिया में होती है, और हमारे विंड पाइप में क्या होती है, ट्रेजिया होता है, फायरिक्स हमें रेस्पिरेशन का ही मदद करती है, और एक होती है लंग्स भी हमारी होती है जिससे हम रेस्पिरेटरी करते हैं, और हमारे जो विंड पाइप में ट्रेजिया में लेरेक्स होती है, लेरेक्स क्या करती है, वॉइस, जो हम वॉइस निकालते हैं यहाँ पे वॉइस होती है, वॉइस बॉक्स बोला जाता है, किसे बोला जाता है, लिरिक्स में, कहाँ पे मौजूद होती है, विंड पाइप ट्रेजिया में मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में, इनहेल और एक्सहेलेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इनहेल क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं सांस को अंदर लेते हैं, और एक्सहेल मतलब हम जब सांस छोड़ते हैं। तो जब इनहेल करते हैं, जब सांस लेते हैं, तो हमारे जो रिब्स होते हैं, रिब्स क्या होते हैं, जो लंग्स में हड्डियों का ढांचा होता है उसे रिब्स कहते हैं, जो हड्डियों का ढांचा ढका हुआ होता है, लंग्स को बचाने के लिए जो हड्डियां लगी होती है लंग्स के बाहर, उसे रिब्स कहा जाता है। और ये रिब्स क्या करती है, जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो क्या होती है, वो एक्सपैंड होती है, मतलब कि उसका फूलना होता है, फूल जाती है। और डायफ्राम क्या होती है, ये भी मूवमेंट करती है, डायफ्राम जो लंग्स के बीचों बीच होती है, यहाँ पे डायफ्राम दिखा रखी है पिक्चर में, ये डायफ्राम क्या करती है, जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट में हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऊपर की तरफ हो जाती है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, तो जो डायफ्राम है वो छूट जाती है, मतलब लटक जाती है यहाँ पे
मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, एक्सपैंड हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, जिसे हम कहते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा इनहेल और एक्सहेल में क्या क्या होता है। रिब्स जो होती है वो फूल जाती है जब हम सांस लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं वो क्या होती है, थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें रेस्पिरेशन ना टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है जो हम ब्रीथ लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपनी गैसेस, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बट रेस्पिरेटरी सेकेंड स्टेप जो होता है वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, जो मॉलिक्यूल्स इन द सेल, सेल जो ब्रेक डाउन होता है हमारा फूड, वो क्या करता है, सेल हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, रिलीज करता है एनर्जी हमारी बॉडी में। तो ये थे इस चैप्टर में, इस वीडियो में। आई होप आपको रेस्पिरेशन के बारे में पता चला होगा कि रेस्पिरेशन क्या होती है और हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है। तो आई होप, थैंक यू सो मच। अगर आपने आपको समझ आया तो कमेंट में बताएं। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।